नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है रोजाना हमारी मुलाकात 7:15 पर होती है, 7:23 हो चुके हैं, सॉरी उसके लिए तहे दिल से, क्योंकि थोड़ा इवेंट लेट लगा पर मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हो गया। थोड़ा क्वेश्चन वेश्चन भी ठीक कर रहा था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई। ओके मेरे प्यारे से स्टूडेंट, फटाफट से क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिन्होंने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन कर लें, ठीक है। और कौन सी दुनिया में हो भाई, अभी तक आए नहीं आप लोग, आ जाओ फटाफट से, वादा हो रखा अपने बीच में 7:15 पर मुलाकात करने का। आपको पता है हम आप लोगों की तैयारी के लिए लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, पूरी क्लास 24 टीम आप लोगों के साथ बनी हुई है कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो, बढ़िया हो, जबरदस्त हो, आप अच्छे से मेहनत करें और सफलता को प्राप्त करें। तो मेरे प्यारे से स्टूडेंट, जल्दी से क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बढ़ते हैं अपन यहाँ से आगे। एक बार थमका निशान बनाकर तो भेज दो कि कौन कौन सा जुड़ा है, लाइक भी नहीं हो रहा आप लोगों से, शेयर भी नहीं हो रहा आप लोगों, तो केवल न्यूज़ देखने आते हैं बहुत सारे बच्चे की क्या न्यूज़ आई है। अरे न्यूज़ नहीं है दादा, आज हम करने वाले एमसीक्यूज़। चलिए स्टार्ट हो चुका है आपका पहला क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी पहले कर चुके थे। किस नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का पहला बड़ा राज्य बन गया? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड या इनमें से कोई नहीं, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइएगा मेरे प्यारे से स्टूडेंट, जल्दी से बताइएगा अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर चलेंगे यहां से अगले क्वेश्चन की ओर। नीलू, नीलू बेटा, जय श्री श्याम बेटा जी, जय श्री श्याम। चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ यार, इतना टाइम किसने पूछ लगाना है, इतना टाइम लगाने की बात हुई नहीं थी, स्टार्ट हो जाएगा। 10 बच्चे जुड़े हैं तो 10 तो लाइक बनते हैं और 10 आंसर बनते हैं, फटाफट से देना, स्टार्ट कर दो आंसर अपना कि किस ने राज्य के गठन के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य बना। तो बच्चों आप लोगों को अच्छे से पता है यहां पर आंसर आपका ए नहीं होगा, आंसर होगा यहां पर आपका बी, छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश, किससे अलग हुआ, मध्य प्रदेश। कब अलग हुआ, 1 नवंबर 2000। जैसे ही एमपी से यह अलग हुआ, एमपी पहुंच गया नंबर 2 पोजीशन पर, जो पहले 1 नंबर पर हुआ करता था। यह घटना घट गई यहां पर। अरे दादा, सोनिया देवी, मीना जी, अरे मत करो दुखी, इधर पढ़ लो, कौन था मुझे क्या पता, मेरे रिश्ते में थोड़ी लगता था जो मुझे पता है, जो भी था। अब डिप्रेशन में जिएगा आदमी तो खुद तो मरेगा, किसी दिन हम भी मर जाएंगे ऐसे रेलवे स्टेशन पे आके। दादाओ ऐसे दुखी मत करो, आंसर दो, इधर देखो फटाफट से। चलिए यहीं पर चलते हैं आगे, दूसरा यहां पर है देखो, उत्तराखंड और झारखंड भी। अब बात करता हूं मैं आप लोगों से उत्तराखंड की, 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ, और ये अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से। झारखंड अलग हुआ बिहार से, ये अलग हुआ। तो ये जो जिले बने थे ये इनसे अलग होकर बने, ये बना आपका 25वां, ये बना 26वां, ये बना 27वां, और 28वें राज्य की बात करें कि 28वां राज्य कौन सा बना, तो 28वां राज्य बना तेलंगाना। 28वां राज्य कौन सा बना, तेलंगाना बना, और किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ, तो कौन बताएगा आंसर, तेलंगाना राज्य कब बना, कौन बताएगा इसका आंसर। देखो आपसे ना तो लाइक हो रहा है, ना शेयर हो रहा है, ना चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, फटाफट से करो भाई। नहीं मानी जा रही बेटा, 40 बिल्कुल नहीं मानी जा रही, 15 गुना ही मान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, ऐसे बोले कि अगली बार सोचेंगे, इस बार तो रहने दो, अगली बार वैकेंसी देंगे भी नहीं देंगे, ऊपर वाला जाना है, ठीक है। तो यह है बात, ऐसे बोले वो। तो यह बना 2 जून 2014 को,
ठीक है, तो ये बने आपके यहाँ पर क्या भाई, नवीन राज्य बने। आपका जो आंसर है वो ऊपर देखिए क्या कह रहा है, देखो कुछ क्या कह रहा है ऊपर, किस नए राज्य के गठन के बाद, तो छत्तीसगढ़ के गठन के बाद राजस्थान नंबर वन पर पहुंचा, उससे पहले राजस्थान भैया नंबर वन पर नहीं थे। आ गई बात समझ में, तो ये पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए मेरी ओर से क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से देशरों के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है कुंभलगढ़ गोगुंदा बीच का क्षेत्र, उदयपुर गोगुंदा के बीच का क्षेत्र, रागा जरगा पर्वत चोटी के मध्यवर्ती क्षेत्र, या प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के बीच की पहाड़ी क्षेत्र। अब बताओ आंसर क्या होगा। हाँ मैं ही बोला हूं मुख्यमंत्री जी से, ये हो सही है। बताओ बच्चों अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा, जल्दी से बताओ यार अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्न में से देशरों के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, निम्न में से देशरों के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का क्षेत्र पहला क्वेश्चन, उदयपुर व गोगुंदा के बीच का क्षेत्र दूसरा क्वेश्चन, रागा व जरगा की चोटियों का मध्यवर्ती क्षेत्र तीसरा क्वेश्चन, क्या ऑप्शन सॉरी, प्रतापगढ़ डूंगरपुर के बीच की भूमि। तो यह है रागा और जरगा के पर्वत की मध्य की पहाड़ियों की बात होती है बेटा। ये देखो एक पहाड़ ऐसे है एक पहाड़ी ऐसे है, इसका नाम है जरगा और इसका नाम है रागा। मध्य वाले पट्टी यहां पर पूरी हरियाली से भरी पड़ी है और इसे बोलते हैं देसरो। और यह देसरो राजस्थान के कौन से जिले में है अगर आप लोगों से पूछता है, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है उदयपुर में, उसका संबंध किससे है, उदयपुर से। तो आपका यहां पर जो आंसर होगा रागा जरगा पर्वत चोटियों के मध्य का क्षेत्र होगा। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं, काटल बाकर मेवा और मेवल, फटाफट से बताओ। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, काटल बाकर मेवाड़ या मेवल, क्या बोलते हैं बताओ। यह क्या कह रहा है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के भूभाग को काटल बाकर मेवाड़ या मेवल किस नाम से जाना जाता है, अब आपका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, आप तो या तो आंसर देने से डर रहे हो यार, ये डर बाहर निकाल कर फेंको, नहीं तो नहीं सीख पाओगे जीवन में। आंसर दो बेटा जो आ रहा है, आप लोग ये मत सोचो कि हम आंसर नहीं देंगे तो क्या हमारा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। जीवन में जवाब देना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है ना, जवाब देना बहुत जरूरी है जीवन में। जवाब जहां पर नहीं मिलते ना वहां पर बातें बिगड़ जाती है। आई बात समझ में, तो बताओ आंसर क्या होगा। तो ये कह रहा है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बात कर रहा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बात जब ये कर रहा है तो देखो भाकर, भाकर तो सिरोही में पाया जाता है तो कोई मतलब ही नहीं है। काटल, काटल पाया जाता है बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ में, कोई मतलब ही नहीं है। मेवाड़ उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में, मेवल बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र मेवल कहलाता है। डी ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, मेवल कहलाता है। क्या बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जो पहाड़ी क्षेत्र है खनक उसे मेवल कहते हैं। अक्षय डी बिल्कुल सही है, नीलू आपका आंसर सही है, रिंकू आपका आंसर बिल्कुल सही है, हनुमान मेवल बिल्कुल सही है, शाबाश मेरे बच्चों बिल्कुल। नहीं बेटा सोनिया भाकर नहीं होगा बेटा, यहां पर मेवल होगा, मेवल का पहाड़ी प्रदेश होगा। नहीं बेटा मेवल की पहाड़ियां बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है, वो मेवात है बेटा,
वो मेवात प्रदेश है, वो मेवात प्रदेश है बच्चों, यहां पर ध्यान रखना विशेष रूप से। तो आपका यहां पर आंसर होगा मेवल की पहाड़ियां। अगला ही क्वेश्चन मेरे शेरों के लिए, राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है, कटरा, बोरकुंडा, कोणा, सिलाना, हिंदूमल कोट, शाहबाद, बाड़मेर, उपरोक्त में सभी, बताओ। राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण किन किन के बीच में है, फटाफट से बताओ। उत्तर से दक्षिण किस किस के बीच में है, फटाफट, उत्तर में से कोई नहीं, बताओ आंसर क्या होगा इनमें से। चलो बच्चों देख लेते हैं एक बार आपका आंसर क्या होता है। यार आप लोग कितने कंजूसी करते हो यार, लाइक नहीं कर सकते क्लास को, लाइक और शेयर नहीं कर सकते। एक बार फटाफट से जितने भी ग्रुप है, शेयर है आपके, जितने भी स्टेटस है व्हाट्सएप पे लगा लो यार। ऐसे पिक्चरें भी तो लगाते हो, फोटो भी तो लगाते हो, हमारी क्लास को नहीं लगा सकते? लगा लो यार स्टेटस, कोई देख लेगा तो दो बच्चे और जुड़ जाएंगे, आपको दुख होगा क्या? होगा आपको दुख, वो भी तैयारी कर लेंगे। चलो बेटा एक बार फटाफट से जितने भी स्टूडेंट है फटाफट से लाइक करो क्लास को, जितने भी हैं देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पर बी ऑप्शन मार के चल रहे हैं कि सर कोणा गांव सिलाना ये बता रहे हैं, बी ऑप्शन है हेमराज, तो बी के पीछे भयंकर तरीके से पड़ गया, ओ तेरी नीलू भी बी के पीछे पड़ गई। और बच्चे बताओ आंसर क्या होगा, पढ़ जाओ सभी सभी एक दो के पीछे फटाफट से पढ़ो और बताओ आंसर क्या होगा। हनुमान भी कह रहा है कि सर बी ऑप्शन को सही कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बड़े इंसानों ये बी ऑप्शन कहाँ से सही होगा, बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा ये कटरा क्यों आएगा, कोणा गंगानगर उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऊपर अगर अपन बात करते हैं तो कोणा है, जे हो देवताओं। अरे वाह भाई प्रभु, आज तो अच्छे काम किया आप लोगों ने। अरे बोड़े इंसानों यहां पर तो बोरकुंडा सही है, बोरकुंडा सही है, पर यहां पर तो कोणा है, और कोणा कहां पर है, गंगानगर में है ना, और ये कहां पर है, तो ये बांसवाड़ा में है। और आपको गंगानगर किधर दिख रहा है, उधर देखो ये सिलाना लिख रखा है, सिलाना सिलाना लिख रखा है इधर, जे हो देवता हूं। वाह भाई बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, शाबाश शाबाश। ऐसे अब गलती करके मुस्कुराना मत फटाफट से, ठीक है? तो गलती करके मुस्कुराना मत फटाफट से, बताओ सही है सभी का, पता चल गया सबका गलत हो गया। अरे तीन ने तो दिया है सबका गलत, बाकी तो देते नहीं है कि हमारा गलत हो जाएगा, ये सोच के नहीं। कुछ एक बच्चे तो ऐसे भी है मेरे स्टूडेंट, उनको मैं कहूँ ना हाथ ऊपर करो, उनसे ऊपर नहीं होते, कहीं गलत हो जाएगा। अरे तो भाई पेपर एग्जाम हॉल में जाओगे तब भी तो रिस्क लोगे ना, तो यहीं पर ले लो मेरे सामने रिस्क, यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे, ठीक है ले लो यार, इसके से क्या करते हो, हाँ बता दो यार। हाँ ये बात तो सही है, मैं तो इतना तो नहीं बोल सकता बेटा, YouTube पे लाइव आ रहा हूँ, आप ही बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूँ। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है डूंगरपुर, झुंझुनू, पाली या बांसवाड़ा, बताओ कौन सा शहर। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है डूंगरपुर, झुंझुनू, पाली या बांसवाड़ा, बताओ कौन सा शहर है, कौन सा शहर है बताओ। बताओ कौन सा शहर है। नेहा शर्मा डी ऑप्शन लेकर आई है, चलो भाई। नीलू, हनुमान, बांसवाड़ा, परफेक्ट आपका आंसर, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर पूछे तो अब बताओ, सर्वाधिक दूर पूछे तो फिर क्या बताओगे, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन की तरफ मत देखो। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर पूछे तो फिर क्या बताओगे, कर्क रेखा से सर्वाधिक अगर दूर आपसे पूछता है तो फिर क्या बताओगे, सर्वाधिक दूर है गंगानगर। कर्क रेखा से यॉड यूज किया है तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर कौन है, गंगानगर है। कर्क रेखा पर दूर डूंगरपुर है, कर्क रेखा की बात करते हैं तो निकट बांसवाड़ा है, और कर्क रेखा की लंबाई एक बहुत प्यारे से बच्चे ने यहाँ पर आंसर दिया कि सर 26 किलोमीटर है, जो राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है, दो जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब चमकती है, 21 जून को, और आज कौन सा दिन है मेरे प्यारे से बच्चों, 21 जून। तो बोलो सभी विश्व योग दिवस की आपको सभी को हार्दिक बधाई हो, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। ओके बेटा कर लिया मैंने भी योग आपके सामने,
विश्व योग दिवस पर। अब यह मत कहना कि सर आपने तो योग किया ही नहीं, कर लिया मैंने योग, है ना, अब आप लोग करो नहीं करो आपकी मर्जी है। चलो योग कर लेना यार, आसन बना लेना, आसन है ना, बहुत सारे आसन होते हैं जो आपको लगे वो बनाना, योग तो मनाओ यार। विश्व भारत को, संपूर्ण विश्व को योग दिवस भारत ने दिया, किसने दिया है, भारत ने दिया, तो आपको तो मनाना चाहिए यार विश्व योग दिवस। कौन कौन सा स्टूडेंट है जिन्होंने विश्व योग दिवस मनाया, फटाफट से बताओ कि हाँ सर आज हम भी गए थे, हमने व्यायाम किया, हमने योग दिवस मनाया, हम ऊँचे कूदे, हम नाचे, हमने हाथों को ऐसे ऐसे किया, हमने ऐसे ऐसे किया, हमने पता नहीं कैसे कैसे किया, बताओ देखिए किस किस ने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। योग दिवस की शुभकामना दे लो पर करना कुछ ही नहीं, ठीक है, कर भी करके भी दिखाओ एक बार, ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, है पढ़ लो पढ़ आ जाओ। रेडक्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है हिंदुमल कोट से शाहबादगढ़ बाड़मेर तक। चलो बताओ कोणा गांव से सागढ़ नागौर तक, हिंदुमल कोट से सागढ़ बाड़मेर तक, या उपयुक्त से कोई नहीं, अब बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा। बच्चा बहुत नजरें पार की कर चुका है अपना, ठीक है, और बिल्कुल यहां पर बहुत अच्छे से आंसर दे रहा है कि सर पहला और तीसरा देखो ना, कहा देख लिया बेटा एक जैसे ही है ना, कहा बेटा बिल्कुल एक जैसे ही है और दोनों ही सही है। राज्य में अब देखो सुनो, दोनों ही सही है, और ये जो रेड क्लिफ सीमा है इसकी लंबाई है हमारे यहां पर 1070 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में किस जिले में अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है, जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर या झालावाड़, अंतर राज्य पूछा है राष्ट्रीय नहीं पूछा है। सर जी आपकी वैसे पूरी कर, क्या बोल रहा है हेमराज, कह रहा है सर जी आपकी विश पूरी कर दी है, क्या विश बेटा क्या कर दी, डीपी ओके समझा, अच्छा अच्छा क्लास 24 की डीपी लगा लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे अक्षय बोले, अरे तुम्हें कहाँ समझाऊं रे, कहाँ छोड़ गया हूँ मैं तुम्हारे को, कहाँ छोड़ गया हूँ मैं तुम्हारे को, फिर झालावाड़ लगा था ना अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक, ये तो 464 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय बनाता है बेटा, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बनाता है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय, ये तो अंतरराष्ट्रीय बनाता है, अंतरराज्य सबसे कम, बाड़मेर बनाता है, सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाता है, तो ऐसे है बेटा, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय कम बीकानेर बनाता है। ओके चले बेटा जी, गुरुजी भूगोल कमजोर है मेरी, बेटा अक्षय सही हो जाएगी रे लाला, ऐसे क्यों घबराता है, घबराने वालों की होती है कमजोर, अपने जैसे होशियार बच्चों की थोड़ी होती है, बेटा बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। राज्य के उन जिलों की संख्या जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है और न ही अन्य देश से, 11 3 7 8, अब बताओ आंसर क्या होगा, 11 3 7 8 आंसर क्या होगा, यार बच्चों आप लोगों में वो जोश और वो जुनून नहीं रहा यार, जैसे खबर क्या सुन लिया आप लोगों ने, आप तो अजीब से हो गए यार, कोई एर ही नहीं कि नहीं गुरुजी कोई गलती से हो, सॉरी बच्चे यार इसको सपोर्ट करो यार क्लास को, ऐसे क्या करते हो, यह मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं, टाइम चेंज करो क्या बताओ, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर टाइम सही नहीं है अकॉर्डिंग आपके नहीं है, तो भाई टाइम चेंज कर लो यार, और तो क्या कर सकता हूँ यार, और तो कुछ ही नहीं कर सकता मैं, टाइम चेंज कर लो बताओ, कर लो टाइम चेंज, हाँ ना बोलो टाइम चेंज करूँ, भाई यार तुम आते ही नहीं हो यार इस टाइम पे, तो फिर मैं किसको पढ़ाऊँ यार, पाली नहीं कह रहा बेटा, वो कह रहा है कि जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, आंसर तो सही है 8, वो कौन कौन से हैं तो देखो, वो हैं अज व
राज ने दो बूटों को नाजों से पाला। अजवराज ने दो बूटों को नाजों से पाला। अज से हुआ अजमेर, अजमेर सीमा नहीं बनाता। राज से हुआ राजसमंद, राजसमंद सीमा नहीं बनाता। दोपहर में तो ले रहा हूं ना, 1:30 1:30 लेता हूं ना, आप लोग आते ही नहीं हो। डोसा नहीं बनाता, बूंदी नहीं बनाता, टोंक नहीं बनाता, नागौर नहीं बनाता और जोधपुर भी नहीं बनाता। कोसे कोटा मत कर देना, बोले इंसानों दिक्कत हो जाएगी। तो देखो, और एक पाली, पाला से पाली भी नहीं बनाता। तो ये 8 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य सीमाएं नहीं बनाते। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य सीमाएं नहीं बनाते। ठीक है, ये वो है। जैसे एक बच्चे ने कहा पाली, पाली के साथ भी 8 जिले लगते हैं, बिल्कुल सही है बेटा जी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य सीमाएं नहीं बनाते कितने, 8, और ऐसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्य भी बनाते हैं, वो कितने हैं, तो बताओ फिर आपका आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्य भी बनाते हैं, तो फिर आएगा 2, गंगानगर और हनुमान बाड़मेर। ये अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य दोनों ही सीमा बनाते हैं। बेटा दोपहर में क्लास लेता हूं 1:30, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्य भी बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कच्छ, कांडला, पारादीप या कोचीन, बताओ कौन सा बंदरगाह है। आ गया लोकेश, अरे वाह मेरे शेर लोकेश, क्या बात है, नन्हे मुन्ने राई आ गया भाई, बहुत बढ़िया, टाइम पे आकर शेर। चलो बेटा फटाफट से बताइएगा, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन यहां पर कि राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कच्छ, कांडला, पारादीप, कोची, कौन सा बंदरगाह राजस्थान की सीमाओं के निकट है। आप बंदरगाह बताओ, मैं और 2-3 बातें पूछ लेता हूं। राजस्थान में सर्वाधिक निकट सागर कौन सा है ये बताओ, सबसे निकट खाड़ी कौन सी ये भी बताओ, और सबसे निकट तट कौन सा ये भी बताओ, और बंदरगाह तो बता ही रहे हो। ये 3 आइटम और आपको बताने, लगातार लगे हाथ, सागर, खाड़ी, तट, बंदरगाह को बताना है। कौन सा है, दीनदयाल बंदरगाह निकट है। अच्छा जी, बिल्कुल दीनदयाल बंदरगाह निकट है। हाँ बेटा, कांडला जिसे अपन बोलते हैं दीनदयाल बंदरगाह, जिसे अपन क्या कहते हैं, दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं। ठीक है सर, खेत के ट्रैक्टर आया था, गंवार की फसल क्या, अच्छा बोने, अच्छा बहुत बढ़िया लोकेश, कोई बात नहीं बेटा, घर के काम भी जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो सागर कौन सा है, अरब सागर। खाड़ी कौन सी है, कंबात की खाड़ी। और तट है काठियावाड़ व कोंकण, दोनों में से एक आप कोई सा भी यहां पर रख सकते हो। सर बारिश आ रही है हमारे यहां, नेहा जी कहां से हुआ भाई, कहां आ रही है बारिश बेटा, ऐसे मत बोल, मेरे को भी घर जाना है, कहीं मेरे इधर बारिश आ गई ना तो मेरे को तो संभलना मुश्किल पड़ जाएगा यार, ऐसे मत करो, बारिश वारिश मत लाओ,
ठीक है, मेरे घर जाने के बाद खूब बारिश ले आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान क्षेत्र में पाक ऐतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष है? गोडवाना, अंगारा लेन, 33 सागर, बताओ किसके अवशेष है? बताओ, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र के प्राग ऐतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष? अरे वाह बच्चों, में थोड़ा सा लगाया यार, जोश आया। काजल बहुत बढ़िया मेरी शेरनी, रिया बहुत अच्छा बेटा, शाबाश करना। अरे सारी शेरनियां ही शेरनियां आंसर दे रही है। हाँ, ऐसे जोश आना चाहिए यार, आंसर आपके चलते रहने चाहिए। ठीक है, राजस्थान में रेगिस्तानी पाक ऐतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष मिले हैं? तो बेटा वो मिले 33 सागर के। 33 सागर की बात करें तो मरुस्थल और मैदान, गोरा लेन की बात करें तो अरावली और पठार, अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं पाया जाता और प्रशांत महासागर की भी यहां पर बात नहीं हो रही है बेटा। क्लियर, आगे चलते हैं। मावठ क्या है? राजस्थानी पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति, शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवात से होने वाली वर्षा, राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति, रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। अब बताओ बच्चों, बताओ मेरे शेरो, अब आंसर क्या होगा? अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है यार, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। बोलो भाई, बता दो बेटा फटाफट से। राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के पहाड़ियों की अपन बात कर रहे हैं, शीत ऋतु में राजस्थानी चक्रवातों से होने वाली वर्षा की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। बेटा फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। अच्छा जी, अच्छा जी और अच्छा जी, तो भाई यहां पर तो बच्चे अच्छे आंसर दे रहे हैं यार कि सर शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से चलने वाली वर्षा, यही कहना चाह रहे हो ना आप? राजेश, नेहा, रिया, काजल, यही कहना चाह रहे हो ना आप लोग? बेटा फटाफट से बताओ। अरे भाई यही तो बताना चाह रहे हो आप लोग, बोलो हाँ या ना। अरे वाह भाई, एस आर एन भी हमारे बीच में शामिल हो चुका है, राजेंद्रा भी हमारे बीच में बीकानेर से, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है सभी स्टूडेंटों को देखकर। पर लाइक और शेयर नहीं किया आप लोगों ने, फटाफट से कर दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है फटाफट से कर दो। तो यहाँ पर मावठ क्या है? मावठ क्या है? तो शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा को मावठ के नाम से जाना जाता है बच्चों। ओके 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 ओके, अगर मैं मावट न पूछकर आपसे पूछूं माउटा, तो अब क्या करोगे आप? मैं मावट नहीं पूछ रहा आप लोगों से, मैं तो सीधा माउटा पूछ रहा हूं आप लोगों से। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या करोगे आप, बताओ मुझे फटाफट से बताओ। मैं पानी पीऊं जब तक, बता दो। बताओ बेटा फटाफट से, जल्दी से यार। देखो यहां पर एस आर अंसर जी, पूरा नाम सेता नायक है। अच्छा जी, फौजी क्या ये फौजी गोस्वामी, अरे वाह गोस्वामी, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा और भाई फटाफट से बताओ,
अरे वाह भाई, मैं झील है, झील 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 जी बच्चे झील बता रहे हैं यार। मावट क्या है तो भाई ठीक है शीत ऋतु में, और माउटा क्या है तो बच्चों ने यहां पर ऑप्शन चुना है किसको, झील को। किसको ऑप्शन चुन लिया, झील को ऑप्शन चुन लिया बेटा। ओ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, कौन है भाई, झील है। अरे भाई बिल्कुल परफेक्ट झील है, मना अपन थोड़ी कर रहे हैं, 101% झील है। अब झील पाई कहाँ जाती है बेटा, ये भी जरूरी है हमारे लिए, तो ये पाई जाती है आमेर में बेटा। और आमेर कहाँ पर बेटा, जयपुर में, ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए बच्चों, ये बात भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ से राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, श्रीगंगानगर में, बांसवाड़ा में, धौलपुर में या जयपुर में, फटाफट से बताओ मेरे प्यार से शेरों। अगर बात की जाती है यहाँ पर तो फिर क्या होगा बताओ बेटा, शरद ऋतु में भूमध्य सागर पश्चिम विक्षोभों से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, जो कि रवि की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। क्या बात है, विकास कितना प्यारा तरीके से नाम लिखा है, गजब, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, अरे यार बच्चे अब तो मजे लेके आ रहे हैं, मजा आ रहा है आप लोगों के साथ जुड़कर, बहुत बढ़िया। राजस्थान में सूर्य किरणें तिरछी कहां गिरती है तो गंगानगर पर गिरती है बच्चों। कहां पर गिरती है, गंगानगर पर गिरती है बेटा, 100% आप लोगों का बात यहां पर बिल्कुल सही है। अगर वो तिरछी न पुलकर सीधी पूछे तो, अब बताओ अगर वो आपसे तिरछी न पूछ रहा, तिरछी बिल्कुल नहीं पूछ रहा और सीधी पूछ रहा है, तो फिर आप लोग आंसर क्या दोगे बताओ। बताओ भाई फटाफट से, जल्दी से बताओ यार, अच्छा अच्छा ये भी हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, शाबाश बच्चों। क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर भी करते रहो यार, साथ के साथ रुकना नहीं है आप लोगों को, साथ के साथ लाइक और शेयर भी करता रहना है। तो अगर पूछे कि सीधी कहां गिरती है तो सीधी गिरती है बांसवाड़ा पर, कैसे गिरती है, सीधी गिरती है यहां पर, सीधी यहां, सॉरी यहां पर तिरछी, यहां पर तिरछी और यहां पर सीधी गिरती है बेटा, कैसी गिरती है, सीधी गिरती है। ओके बच्चों, आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर के से निर्धारित किया जाता है, 76, 70, 82, 82 हाफ, बताओ आंसर क्या होगा। लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बिल्कुल 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 कर दिया ना बेटा, तभी देख कितने बच्चे जुड़ रहे बेटा, यार मजा आ गया, यार मजा आ गया। अब मजा आ गया भाई, ऐसे ऐसे आंसर दो यार, अरे वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। तो बिल्कुल बच्चों बिल्कुल मजा आ रहा आप लोगों का, बिल्कुल राजेश कनक, राम हेमराज, इसके अलावा विक्की, विक्की भी हमारे साथ जुड़ा है, नेहा शर्मा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया नेहा, एस आर एन, क्या बात है, रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और विकास तो यहां पर बहुत अच्छा आंसर दे रहा है बच्चों। यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आपका परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई आंसर आप लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो इसका मुख्यालय वो इलाहाबाद का नैनीग्राम है, इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है, इलाहाबाद के नैनीग्राम में स्थित है बच्चों, कहां पर स्थित है, इलाहाबाद के नैनीग्राम में इसका मुख्यालय स्थित है, ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है बच्चों। हाँ बिल्कुल ध्यान रखनी है, परफेक्ट रूप से हाँ, पर अब इलाहाबाद नहीं कहते, विकास इसे प्रयागराज बोलते हैं बेटा, प्रयागराज बोलते हैं मेरे बच्चे से, इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ओके बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या गंगानगर, बताओ सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है, किसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है बेटा, फटाफट से बताओ यार, जल्दी से देखना चाहूंगा आप लोगों का आंसर, अब की बार क्या आ रहा है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा यार मैं। बताओ यार, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है, अरे नेटवर्क नहीं है यार, थोड़ा आइस प्रॉब्लम है। आइस प्रॉब्लम भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आइस प्रॉब्लम है। चलो भाई, सबका बाड़मेर यहां पर आंसर आया, सीमा गुजरात व पाकिस्तान, बिल्कुल बाड़मेर
के लगती है, तो क्या गंगानगर की नहीं लगती? क्या राजस्थान का वह जिला नहीं लगती गुरु जी? क्योंकि इसकी लगती है पंजाब और पाकिस्तान के, और इसकी केवल पाकिस्तान के, और इसकी केवल गुजरात के। और आजकल लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, प्रतापगढ़ व आसपास के भूभाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जानता है? बोराट, बांगड़, काटल या उपरमाल? अब बताओ बच्चों आंसर क्या होगा। बाड़मेर, पाकिस्तान, गुजरात, धौलपुरी। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा आंसर लेकर आया यार विकास, ऐसे 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 ये आंसर आप लोगों के बहुत अच्छे लगे यार, मुझे तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आंसर, शानदार बच्चों। बेटा आप लोग एक काम और किया करो यार, आप लोग है ना एक काम कम कर रहे हो, पता है कौन सा काम? आप लोग क्या करते हो, आप लोग जब हमारे यहां पर आंसर देते हो ना, तो क्वेश्चन नंबर साथ में लिख दिया करो। क्या लिख दिया करो साथ में? क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो बेटा, उससे क्या रहता है, आइडिया रहता है। किस चीज का आइडिया रहता है कि यार बच्चे आंसर दे रहे हैं तो किसका आंसर दे रहे हैं। ये भी आपका आइडिया रहता है, ठीक है। तो लास्ट और फाइनल में आप कह रहे हैं कि भूभागों को और प्रतापगढ़ आसपास को काटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? काटल के नाम से जाना जाता है। अरे किसके नाम से जानते हैं? काटल के नाम से जानते हैं, काटल के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, तो ये हुई बात हमारी यहां पर कंप्लीट आज की क्लास में। बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से हमने क्लास को आज शानदार किया। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा और बेहतरीन बनाया। मैं चाहता हूं बच्चों क्लास को लाइक और शेयर करते रहें। बट्टा जी आपका टाइम फिर से सुन लो, आपका टाइम है 2:01:30 पर और 7:15 PM पर। ये दो टाइम मैं आप लोगों की क्लासें ले रहा हूं, और बाकी जूनियर अकाउंटेंट के बैच हमारे कंटिन्यू सुबह चल रहे हैं, और शाम के टाइम आपकी तैयारी अदर एग्जाम की हम करवा रहे हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से बने रहिएगा हमारे साथ क्लास 24 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, बिंदास रहो, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ।